आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए देखते हैं कुछ अहम खबर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क के वज़राए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास का इनेकाद किया। इन्होंने मुल्क में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसों में इजाफा से मुतालिक जायजा लिया। इन्होंने कोरोना के खात्मे के लिए इनकी रियासतों में किए जा रहे इकदाम के बारे में वज़राए आला से मालूमात हासिल की। CM कर्नाटक बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु में केसों के इजाफा और इस पर काबू पाने के इकदाम किए जाने के बारे में PM को वाकिफ करवाया। मगरब बंगाल के CM ममता बनर्जी ने आने वाले त्योहारों में कोरोना के केसों में इजाफा होने से मुतालिक खदशा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से इस मसले को निमटने के लिए इकदाम किए जाएंगे। इस इजलास में रियासती वज़राए आला के अलावा मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर बराए बल्दी नज़्म व नक़्त के तारक रामाराव ने कहा कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखने के बाद ही रात का कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाने का फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे कबल महकमे सेहत के अदारों से मुशावरत की जाएगी। वो ASCII और KTR में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। तेलंगाना रियासत में आज 2,707 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए। तेलंगाना रियासत में 24 घंटे के दौरान 84,280 अपराध का टेस्ट किया गया। GHMC में 1,328 केस, रेलवे मर्चल में 248 केस, अंगारेडी में 202 केस दर्ज किए गए। 582 अपराध सहतिया हुए, 2 अपराध फोटो। सैयारा न्यूज़ TV को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।